ना बाबा जी मेरे दांत में जीभ से दर्द हो ही जा रहा है, क्या किया जाए इसका? चलो फिर आप भी जल्दी आओ, ज़ैनब बेहोश हो गई है। उठो ज़ैनब, क्या हुआ तुम्हें ज़ैनब? गाइस ज़ैनब को कुछ हो गया। वाह वाह वाह, ये कौन बल्ब तैयार होके आया है? हैशटैग बहन को। हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी जो इसके सुबह से ही दांत में दर्द हो रही थी पहले भी। हाँ जी, क्या हुआ इनके दांत को? आपके विजडम के पीछे एक छोटा सा दांत पड़ा, इसका दांत निकाल दिया। ये नहीं बोल सकती, बोल भी नहीं पाएगी। Assalamu alaikum, so welcome to Professor's YouTube channel and welcome to a new vlog. So guys, अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ, अभी हम अपनी क्लास लेंगे एंड आज मैंने एक बड़े मज़े की एक्टिविटी सोची हुई है और घर जाके हमने वही करनी है। आपको अपनी रूटीन भी दिखाऊंगी मैंने यूनिवर्सिटी में क्या क्या करना है। आज मेरी सिर्फ एक क्लास थी, सो आज की जो मेरी फुल लुक है वो कुछ ये है। सो अभी जाते हैं और क्लास लेते हैं। So let's go. उसको बस वो कोडिंग सिंटैक्स में लिखा है, लेकिन आसान अल्फा। अब आपने नेक्स्ट डे अगर आपने फाइन। सो गाइस फाइनली मैं क्लास लेके फ्री हो चुकी हूँ और अब मामा जो है क्यूटी गाड़ी चला के मुझे लेने भी आ चुकी हैं। एंड मैंने ये भी सोचा कि मैं आप लोगों को जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी का टूर करवाऊंगी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत मज़े मज़े की चीज़ें खुल चुकी हैं, साइकिल्स आ चुकी हैं और जिम खुल चुके हैं और पता नहीं क्या क्या। सो वो सब आप लोगों को मैंने दिखाया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यूनिवर्सिटी टूर करवाऊँ। सो अब चलते हैं घर। सो जी गाइस, मामा हमें मिल चुकी हैं। कैसी रही ड्राइविंग मामा आपकी? फटाफट से आई है, रश था ना? इसलिए तो मैं कहा कि भाई आने से मैं पीछे खड़ी हुई थी, जैसे गेट पे आऊँ मुझे कॉल करो फिर मैं आगे आती हूँ। मामा तो भाई अब प्रो ड्राइवर हो चुकी है, मुझे यूनिवर्सिटी से लेके भी आती है और छोड़ के भी आती है। ऐसा क्यों, मैं पीछे आती हूँ? नहीं, मैंने कहा था कि हम आगे आ जाए ताकि मैं आगे, कितना रश होता है ना गाइस कि जगह ही नहीं होती है गाड़ी खड़ी करने की। आगे से ही है, मुझे आगे आना पड़ता। खैर अब घर चलते हैं, कुछ खाना शाना खाते हैं और फिर देखते हैं आज हमने क्या करना है, आज की क्या रूटीन है। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। घर पे देखो जरा, मेरी बहनें अब भी उठी और नाश्ते कर रही। ओ माय गॉड, कितने स्लो हो तुम लोग, लिटरली अभी नाश्ते हो रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी करना है तुम जुम्मा, जुम्मा एक दिन यूनिवर्सिटी जाने के अलग ही और साथ ही तुम्हें हो रहा है की नहीं। मैं सुबह उठती हूँ, तैयार होके नाश्ता करके फ्रेश जाती हूँ। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी नहीं जाती तो 5 बजे उठती है शाम के। लेकिन फिर भी देखो ना, नाश्ता देखो कब कर रही हूँ, 6 बजे। ओ माय गॉड, सो स्लो गर्ल। मैं लंच कर रही हूँ। ये लंच नहीं है, पराठा बन रहा है, ये नाश्ता हो रहा है इसका। चला को पैनकेक्स खा लिए थे, निकलो इधर से। हिरापी, जो अभी आप 2 मिनट पहले कही थी वो दोबारा रिपीट करना, क्या कही थी? हिरापी कह रही है कि मैं आज प्यारी लग रही हूँ, तारीफ हो गई, थैंक यू। इतनी भी ज्यादा तारीफ नहीं की है, शर्म आनी चाहिए। मामा मेरे गौर से अब देख रहा है, तो बहुत प्यारी हो गई है। मैं प्यारी हो गई हूँ या मैं प्यारी हमेशा से ही थी? मामा लग रही है, इतनी बात नहीं है। कभी कभी रूप आया होता है ना, वो आई रूप आया हुआ है। मामा जी मुझे भी सेम ऐसा खाना दे, मुझे दिल चाह रहा है ये वाला खाने का, जल्दी से दे दे। और ये लो जी, हमें ज़ैनब स्कूल से वापस आ चुकी है। बात पूछती मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मैं 5 बजे वापस आ जाती हूँ, ये तुम 8 बजे कैसे वापस आई हो? मैं ये फार्मा ने आज इतना मुझे खबर किया ना, मुझे एक जगह सारा स्कूल जाती हो और स्कूल को यूनिवर्सिटी बनाया हुआ इसने। मुझे एक जगह लेके कहती है पिछली गली में घर है मेरी दोस्त का, ठीक है वहाँ लेके गई है, 10 मिनट मिल गई यार। इन्हें इसका वेट लूज करा। अच्छा नहीं, ये वेट सब पता है, उधर ना बाहर घूमने जाती है, रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने जाती है बंक करके। सारा पता है मुझे लड़कियों का। स्कूल में बंक करना ना अलाउ नहीं है, पहले बस फाइन ठोक। तो 1 मिनट, तुम्हारा स्कूल 2 बजे बंद होता है, उसके बाद नहीं होता 3:30, तो उसके बाद फिर 8 बजे कैसे घर आई हो तुम? हाँ सारे बहाने पता है, मैं तो सीधा साधा घर आती हूँ। खैर आज मैं ज़ैनब लोगों को जो ना तुम लोगों को मजे का दोस्त ही है ना, अच्छे सुरा से गजब बेइज्जती है। मेरे दोस्त तो अच्छे ही है सारी मेरी। खैर आज जो है ना मैं ज़ैनब को एक मजे की डिश बना के खिलाऊंगी। मेरा जीभ से दांत में दर्द हो जा रहा है, क्या पेट ना खराब हो? नहीं होता ज़ैनब पेट। चलो तुम दोनों को एक मजेदार सी डिश बना के दिखाती हूँ। पेट तो तब खराब होगा जब डिश सही बनेगी। ऐसे कहते हो आप जी, जब खाने मैं इनको मजेदार सी डिश बनाऊं, बाबा जी मेरे दांत में जीभ से दर्द हो ही जा रहा है, क्या किया जाए इसका? चलो फिर। वाह इतने से दर्द यार, अब देखते हैं क्या बनाना है। A few moments later. Guys, मामा भी आ चुके हैं, मामा से हेल्प लेते हैं। मामा जी हमारी मेरी प्लीज हेल्प करें आज। मैंने ना अभी मैं बनाने लगी हूँ, लेकिन जो तुम्हारा पिछला पड़ा है ना वो पहले खाओ। कौन सा पिछला? मेरी नई डिश सुबह तुम्हारा मेरे दांत में दुख रहे हैं। नहीं खाना है, पुराना नहीं खाना है। ये देखो ये तेरा आया है, की क्या आया? ये खाओ बैठ। वो बच्चियों को खिलाना है, ज़ैनब को उसकी दोस्त को। वो कह रही मेरे पराठा सालन खाना, उनको मैं पराठा बना देती हूँ, तुम अपना खाओ। ये देखो ओके गाइस, तो ये खाते हैं फिर गरम करके, हमारा रैप आया हुआ है। खाना बन रहा है, लड़कियों मेरे पास एक आईडिया आया। तुम लोग अभी इधर ही हो तो हम लोग जो है ना हिरापी को ना ऊपर डरा कर आते हैं। मेरी बात सुनो, ठीक है ना, आज ऊपर आओ, जल्दी आओ। मेरे पास एक आईडिया आ गया, तुम लोगों ने जाना, तुम जाओगे ऊपर और जाके भाग के कहना हिरापी जल्दी आए, ज़ैनब बेहोश हो गई है, ज़ैनब बेहोश हो गई, बेहोश पड़ी हुई, बेहोश हो गई है, जल्दी आओ सीरियसली। ये देखो क्या हुआ,
था क्या? ये बेहोशी प्रैंक का मुझे हॉरर प्रैंक ज्यादा लगा। मैं सामने जा रही हूँ या नीचे गिरी हुई? तो बेहोश हो गई है ना, पैर आने वाला था। स्पेसिफिक कर दो कि कहाँ मैं बेहोश हुई है, मैं अभी इसमें पाँव रख दूंगी। एक मिनट चलो बताती पहले इरापी पर जैनब दरवाजे के पास बेहोश हुई है, जाओ जरा वहाँ जाके अपने कहना है। तुम लोग हॉरर प्रैंक फिर से कर रहे हो मेरे साथ। प्रैंक नहीं बेहोशी प्रैंक कर रहे हो। मैं डर गई, उठती हो गई जैनब, देख लो इतनी इतनी वो काफी नहीं है, इतनी रुसवाई काफी है कि अगला बता तुम्हारी शक्ल देख के डर गई। बात तो सही है, एक्टिंग ना करो, पता है मुझे तुम एक्टिंग कर रही हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है जैनब। उठो जैनब, क्या हुआ तुम्हें जैनब? गाइस जैनब को कुछ हो गया। जैनब उठो, ऐसे नहीं ऐसे उठो जैनब, वो दौड़े पड़े। इतना शर्मिंदगी वाला ये प्रैंक था ना कि कामयाब ही नहीं हुआ है। नहीं पहले सोच लो कि क्या करना है, बेहोशी प्रैंक करना है कि हॉरर प्रैंक करना है, ये दोनों मिक्स करने हैं। मुझे ऐसे आ रहा है, मुझे दांत में दर्द हुई, स्टार्ट हुई जा रही है। आओ यार हमारा खाना भी बन चुका पड़ते आज कुछ चक्कर वा के आओ। दाने अजीब से दर्द हुई जा रहा है कब से गाइस। मुझे कह रहे हैं आपके दांत का ना निकलना निकलना पड़ेगा, बस कर दो। दांत चक्कर वा रहा, तुम्हारा मुंह निकालना पड़ जाना है। ऊपर से पता मुझे बोला भी नहीं जा रहा, मुझे इतनी दर्द हो रही है पूरी साइड। खैर अभी खाना खाते हैं गाइस, मजा आया इस प्रैंक का। और फातिमा मैडम जो है ना आज पूरा दिन सो रही है, वो बस रिलैक्स कर रही है, उसको नींद ही नहीं पूरी हुई। वाह वाह वाह, ये कौन बल्ब तैयार होके आया है? अरे पीली बत्ती लग रही है। नहीं ऐसे लग रहा है आज हमारे घर पे सूरज निकल आया है। बिकॉज़ आई एम अ सनशाइन। सनशाइन क्या धूप आजकल, मैं तो कहती हूँ एक मिनट पापा जी हमारे रूम का बल्ब खराब हुआ है ना, ये लगा ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये हिराबी को लगा ले, पूरी दुनिया को रोशनी। खटिया खटिया की सोच के पाया सी, लेकिन अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। आवाजें दे रही हो तो सुनने नहीं रही, ये नहीं पता मैं ऊपर तैयार हो रही। हाँ लेकिन ये तैयारी की वजह क्या है मुझे समझ नहीं आई। मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। फुल खटिया खटिया। फिर आप भी आपने मेरा न्यू पार्सल देखा, मेरी न्यू दो शर्ट्स आई हैं, इस पे ट्विनिंग करनी है, वीडियो बनानी है मेरे साथ। हम इस पे कर सकते हैं, नहीं फिर कभी बनाएंगे। देखो कितनी प्यारी आई हैं, एक आप पहनना और एक मैं पहनूंगी। मैं ब्लू पहनूं गाइस, मुझे कमेंट में बताएं कि मैं ब्लैक पहनूं के ब्लू। नहीं नहीं गाइस आज से ये ब्लू कलर। नहीं 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 गाइस मुझे बताएं कि मैं ब्लैक पहनूं के मैं रून पहनूं, और हिरा पे कौन सी पहने सारे बताओ, फिर हम ट्विनिंग करेंगे। कितने नीचे जीन्स पहनेंगे और जॉगर्स पहनेंगे, ठीक है? सो गाइस मामा की यम्मी अभी बिरयानी आ चुकी है, क्योंकि मैंने मना कर दिया था। पापा ने बनाई थी। हाँ जी मामा देखो चुपचाप क्रेडिट लेके जा रही थी। कितनी चला कर क्रेडिट लेके जा रही थी। ये सूट हमने पहने हैं, यहाँ पे ट्विनिंग करनी है इसकी आपके साथ। नो ट्विनिंग, बल्कि आप सब भी कर लूंगी। हैशटैग बहन कौर। गाइस अब हम लोग करने लगे एक फूड चैलेंज। हिरापे मैंने एक ट्रेंड देखा था, तो करते हैं। मैं आपने आंखें बंद करके मुझे खिलाना है। क्यों? मतलब कि ऐसे वाला चैलेंज होता है कि आप नहीं नहीं मैं बताती हूँ गाइस, बताती हूँ। ज़ैनब तू हमारी वीडियो बनाओ। हम लोग एक बहुत मजेदार गाइस चैलेंज करने लगे हैं आज। सर आप के हाथ में नहीं नहीं ये नहीं। चलो हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी हम बिरयानी कैसे खाते हैं, ठीक है? चलो बाइट लो मोटी, हम बाइट लेंगे अब एक अदद। बाइट ली जाए, बाइट राइट नहीं जानी चाहिए, बाइट थोड़ी लेफ्ट आए। बाइट लेफ्ट, बाइट ऊपर, बाइट अंदर जाए, बाइट हम लोग बाइट लेंगे एक मिनट। थोड़ा स्टॉप आ गया, हम लोग को भूल गया हमारा मुंह कहाँ था। मुंह अंदर यहाँ पे था गाइस, हमारा मुंह हमें पता है कहाँ पे। मैं तो आपको हंसाने के लिए कर रही हूँ, मुंह इधर है हमारा। पानी गाय मुंह पे बहुत लगा, सब तुम्हारे हाथ लग रहे हैं। साफ करो ना मेरा मुंह, हमारे बड़ा अच्छा मेरे दांत में एक मिनट सेम रह गया कि मेरे दांत में तो गोली आ रहा। क्या हुआ? एक मिनट दो, मेरे दांत में इतना इतना एकदम से दर्द स्टार्ट हो गया, और आप लोग सोचोगे भी मैं एकदम से हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे से ना कुछ खाया जा रहा है, इवन तो बोला भी नहीं जा रहा है। पापा मामा जो इधर अर्जेंट मुझे लेके जा रहे हैं। सीरियस मुझे लगा राबिया मजाक कर रही है। ऊपर से हम लोग चैलेंज कर रहे थे और उसमें इनको ये लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं सीरियस हूँ और मेरा इतनी इवन दर्द हो रही है ना बड़ा। पता नहीं वही चेक करवाते हैं, कह रहा पहुंच के पता लगेगा क्या होगा। राबिया इधर लेट चुकी है, राबिया का दांत चेक हो रहा है। हां जी क्या हुआ इनके दांत को? आपके विजडम के पीछे एक छोटा सा दांत पड़ा हुआ है, जो कि एक्स्ट्रा दांत है, वही हमने से निकाला। उसके अलावा किसी दांत को नहीं छोड़ना, बिल्कुल छोटा सा इंजेक्शन है, इसकी कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं। नीचे से लगा के रखना है,
A few moments later. तो भाई राबे मैडम आ चुकी है, बेल हो रही है, अभी उसकी खैर खैरियत पूछते हैं कि क्या हाल है उसका। हेलो राबियो, क्या आप लोग शॉपिंग करने गए थे? इसको डॉक्टर के पास लेके गए थे? क्या हुआ, हुआ क्या था वैसे इसे? इसका दांत निकाल दिया। उन्होंने कहा डोंट टेल मी हड्डी से टूट गया था दांत जो उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा था इसके एंड पे एक एक्स्ट्रा दांत आ रहा है जो ओवरटेक कर रहा है दूसरे दांतों को। अच्छा। और वो इसको लगी है, खाना खाया ना इसने तो एकदम से वो पता नहीं दूसरे दांत को लगा है क्या हुआ। अच्छा। दर्द ऐसे किया, उसने कहा ये तो निकालना पड़ेगा, उसने निकाल। नहीं तो हुआ क्या था, तुम तो बताओ ना कुछ। गंदा नहीं बोल सकती, बोल भी नहीं पाएगी। अल्लाह ये क्या बात हुई। सारे रास्ते मुझे ना बड़ा मजा आया। राबिया पहली जिंदगी में पहली दफा चुप रहेगी। राबिया का एक रिकॉर्ड लगा रहे हैं अब। हमने इतना बोलती तंग कर देती है। डॉक्टर ने दांत निकाल दिया। हमने चीजें लेने थे, वो लेने लगे तो कहती है कि मेरी पानी वाली एक बोतल भी ले लो, वो भी मैं ले गई फिर। ओह माय गॉड, बात नहीं हो रही। आप कभी पानी मांगे ना तो छिट्टा खिला देना, कहना कि ये मांगा था ना। ऐसे इशारे कर रही कि मुझे समझ ही नहीं आ रही। राघव फिर समझ आ रही है। क्या कहीं गई, उसने कहा बोलती नहीं है, कहना आ आ आ। नहीं कह रही है मेरा सारा व्लॉग अब तुम बनाओगी बाकी का। गाइस लेटेस्ट न्यूज, राबिया बोल नहीं पा रही है। ओह माय गॉड, खुशी हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों। इसे भी नहीं समझ आई राबिया क्या कहना चाह रही है। नहीं आई, मैं क्या करूं। मैं बताती, कह रही मैं डॉक्टर पास गई, उसने जाके कहा कि तेरा वो ये भी नहीं कह रही है। राबिया एक्टिंग करते करते आज रियल एक्टिंग। हाँ जहाँ से बोतल है वो कहते हैं लड़की कुड़ी गूंगी। बाकी ऐसा मैंने इसको कहा सब क्या लेना, तो कहती पानी वाली बोतल लेनी। वो कहता बाजी कुड़ी बोल नहीं सकती, कहना वो बस बचपन में इधर उधर खो गई थी। मैं क्या बोला भी, मैंने कहा दुकानदार समझेगा लड़की गूंगी है कि बोल नहीं रही। मैंने कहा नहीं इसका दांत, आपने कह रहा था गूंगी है, कह देना था। मैंने कहा दांत निकलवाया है इसलिए बोल नहीं पा रही, बोंगी है। आज राबिया जवाब नहीं दे सकती, जो कुछ मर्जी कह लो। इसलिए पापा उसका फायदा उठा रहे हैं कि भाई आज राबिया ने जो मर्जी कह दे, आज कुछ भी नहीं करे न तो निकलो। वो लगी है करने, राबिया का व्लॉग बनाना पे आ रहा चल। कुछ भी नहीं, जा 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 चल, डर ही नहीं रहा। मिलनी है हीरा, तुम्हें एक मजे की बात बताओ, दांत पटवा ये बोलिया जा नहीं रहा, उधर खड़ी खड़ी ना भला इसने क्या लिया है, इसके पास में शर्ट की कमी है? नहीं राबिया हद होती है वैसे, उधर ये लेके खड़ी हुई है ये जो ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। ये देखो ये इसकी हरकतें। अच्छा लाइन पसंद आ गई थी उसे, इसीलिए इसने लेनी ही लेनी थी। क्या लिखा था राबिया? इधर 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 दर्द हो रही है इधर। अच्छा हाथ नीचे करो, एक सेकंड हाथ नीचे करो, हाथ नीचे कर। अब तो इसकी रोने की भी आवाज नहीं निकल रही है। इसने शर्ट ली। हाँ मैं तुम्हें पेपर पे लिख देती, क्या हो गया यार? नहीं दिखाना गाइस, ठीक हो क्या आपको दिखाएंगे। अभी राबिया बोल नहीं सकती, माजरत के साथ फोन को अभी व्लॉग को यहाँ करते, जब बोलना शुरू होगी फिर बाकी का व्लॉग स्टार्ट होगा। चलें ठीक है। A few moments later. So guys, finally, मैं ठीक हो चुकी हूँ अब काफी हद तक, जो है मेरा दर्द भी बेहतर है एंड मैं बोल भी सक रही हूँ, शुक्र है अल्लाह का। खैर होप सो कि अब इस व्लॉग को एंड करती हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है। मैं सो गई थी, अब मैं जाकर उठी हूँ और मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी। खैर अब एंड करते हैं, सो सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो, जो सब करते हैं करो एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।